नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुए बस हादसे में 36 जिंदगियां खत्म हो गई। जो लोग जीवित बचे उनकी आंखों के सामने वो खौफनाक मंजर है जिसे शायद वो कभी भूल ना सकेंगे। घटना से पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर है। घायल लोगों ने बताया कि हादसे के समय आखिर क्या कुछ हुआ था। हादसे का शिकार हुई बस में जान गंवाने वाले अधिकतर वो लोग थे जो दिवाली का त्योहार मनाने अपने गांव आए थे। छुट्टी खत्म होने पर जल्दी घर पहुंचने की जल्दबाजी में पहले से भरी बस में लोग सवार हो गए। किसी को भी आभास नहीं था कि मंजिल पर पहुंचने से पहले ही एक हादसा इन सब की जान ले लेगा। बताया जा रहा है कि बस चालक दिनेश सिंह निवासी सल्ट मानसिक रूप से परेशान था। उसे बार बार रुपए को लेकर फोन कॉल्स आ रहे थे। ये बात रामनगर अस्पताल में भर्ती घायल हरीश चंद्र पोखरियाल ने बताई। घायल हरीश चंद्र पोखरियाल के अनुसार वो चालक के पास वाली सीट पर बैठे थे। चालक को मानसिक तनाव में देख यात्रियों ने पूछा तो उसने बताया कि 2.5 लाख रुपए किसी को देने हैं। यात्रियों ने उसे हिम्मत दी। तनाव के बीच एक मोड़ पर उसने वाहन से नियंत्रण खो दिया और बस खाई में जा गिरी जिससे भीषण हादसा हो गया। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने आवास पर सल्ट मरचुला के समीप हुई बस दुर्घटना में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा और कहा कि हम सब लोग इस दुख की घड़ी में उन सभी के परिवारजनों के साथ खड़े हैं। भगवान उन सभी के परिजनों को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अल्मोड़ा बस दुर्घटना में हुई कई मौतों पर संवेदना व्यक्त की है। उनकी आत्माओं को प्रभु श्री राम चरणों में स्थान देने की प्रार्थना भी की। वो ईश्वर से सभी प्रभावित परिजनों को इस असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। साथ ही उन्होंने घटना में घायलों के भी शीघ्र स्वस्थ होने की भी उम्मीद जताई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस दुख की घड़ी में सरकार पूरी तरह से उनके साथ है और हर संभव मदद की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री के निधन पर प्रार्थना रूप से लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की भी की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्राथमिक रूप से लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की भी उन्होंने बात दोहराई है। साथ ही उन्होंने घटना की जांच हो रही है और जो भी दोषी होगा उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा के अंदर सल्ट में जो बस दुर्घटना हुई बहुत ही दुखदायी है। अनेकों लोग हताहत हुए हैं। 30 से अधिक लोगों की जिंदगी चली गई है। मैं अपनी ओर से मृत परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं सरकार इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और घायलों को उचित उनको एक प्रकार से मैं कह सकता हूं उनकी चिंता हो, हॉस्पिटल में उनका इलाज अच्छी तरीके से, इसका सरकार पूरी तरह ध्यान रखने वाली है। मैं सभी मृतक परिवारों के प्रति और घायलों के प्रति इस भाव के साथ कि ईश्वर घायलों को शीघ्र स्वस्थ करे और मृतक परिवार को अपने चरणों में स्थान दे। वहीं उत्तराखंड में इस साल का सबसे बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें 36 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि इसमें अपने माता पिता को खो चुकी 3 साल की बच्ची शिवांगी मम्मी पापा चिल्लाती रही। बता दें कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुई इस बस हादसे ने पूरे उत्तराखंड के साथ ही पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। इस सड़क हादसे में 36 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बस हादसे में मृतकों और घायलों की सूची अल्मोड़ा जिला प्रबंधन अधिकारी की तरफ से जारी की गई है। हादसे में 28 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था जबकि 8 घायलों की उपचार के दौरान जो है मौत हो गई। कुल मिलाकर अभी तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि
27 घायलों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं 6 से ज्यादा घायलों को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे में 3 साल की बच्ची शिवांगी रावत ने अपने मम्मी पापा को खो दिया। बता दें शिवांगी रावत के पिता मनोज रावत रामनगर में उद्यान विभाग में कार्यरत है, जबकि माता चारू देवी गृहिणी थी। ये परिवार अपने घर से दिवाली मनाकर पौड़ी गढ़वाल से रामनगर आ रहे थे। वहीं इस हादसे में 3 वर्षीय बच्ची शिवांगी रावत ने अपने माता पिता को खो दिया। बता दें कि इस सड़क हादसे में कई परिवारों के घरों के चिराग बुझ गए हैं। रामनगर को अपने उद्यान विभाग में आ रहे थे, कार्यरत थे उद्यान विभाग में, और सुबह 9 बजे ये हादसा हो गया। मम्मी तो गृहिणी थी, पापा थे सुपरवाइजर उद्यान विभाग, गवर्नमेंट अप्लाई थे ये हमारे। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक कर लेते हैं संवाददाता अभय कैंतुरा का। अभय, जिस तरह से उत्तराखंड का अगर इस साल की बात करें तो सबसे बड़ा और सबसे भीषण ये सड़क हादसा, 36 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कई जो है उनका अभी भी इलाज चल रहा है। वहीं कई ऐसे हैं जिनके घरों के चिराग बुझ गए हैं, अपनों ने अपनों को खो दिया है। अभय जी, बिल्कुल, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में लगभग 4 साल के बाद इतना बड़ा एक सड़क हादसा, भीषण सड़क हादसा यहां पर हुआ है, जिसमें एक साथ इतने लोगों की अकाल मृत्यु यहां पर हुई है। 36 लोग इस सड़क दुर्घटना में यहां पर अकाल मृत्यु का ग्रास यहां पर बने। 27 लोग अभी भी घायल हैं, जो इनका विभिन्न अस्पतालों में विभिन्न जगहों पर यहाँ पर इलाज चल रहा है, और उनके बेहतर उपचार के लिए राज्य सरकार की तरफ से हर वो सुविधा यहाँ पर मुहैया कराने की बात यहाँ पर कही जा रही है, जिससे उनका बेहतर उपचार यहाँ पर हो सके और जल्द से जल्द शीघ्र स्वस्थ लाभ लेकर अपने घरों को यहाँ पर प्रस्थान कर सके। राज्य सरकार ने इस पूरी घटना पर अभी कह सकते हैं कि दुख प्रकट करने के साथ साथ जो जांच के निर्देश है वो भी यहाँ पर दे दिए। गढ़वाल कुमाऊं कमिश्नर को यहाँ पर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए, जिनकी तरफ से 3 सदस्य समिति का गठन यहाँ पर कर लिया गया है, जो इस पूरी घटना की जांच यहाँ पर करेंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात सरकार की तरफ से की गई है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी जो दुखद विषय है, वो जो चिंता का विषय है, वो यही है कि जिस प्रकार से इस रोड पर एक के बाद एक दर्दनाक हादसे यहाँ पर हुए हैं, उससे भी परिवहन विभाग के और प्रशासन की तरफ से कोई सबक अब तक यहाँ पर नहीं लिया गया। अब है सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है, जिम्मेदार कौन? 36 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल है, आखिर इन जान का दुश्मन कौन? क्योंकि अब इसको लेकर पूरी तरह से सियासत भी गर्माती जा रही है, जहां कांग्रेस जो है राज्य में जो सड़कें हैं उसकी दुर्दशा को लेकर सवाल उठा रही है, बीजेपी सरकार को भी घेर रही है, धामी सरकार को भी घेर रही है। दूसरी तरफ जिस तरह से जो हम समझ पा रहे हैं इस घटना से, क्योंकि दिवाली का मौका था, लोगों को अपने घर वापस जाना था, तो ओवरलोडिंग भी बस में देखने को मिली, तो आखिर जिम्मेदार कौन? जी बिल्कुल, यही एक सबसे बड़ा सवाल है कि जब उस रोड पर ये कह सकते हैं कि आवागमन के साधन बहुत कम है, तो वहां पर प्रशासन की तरफ से लगातार प्रयास किए जाने चाहिए थे कि वहां पर आवागमन के साधनों को बढ़ाया जा सके। जो सड़कों की स्थिति थी उन स्थितियों को बेहतर वहां पर किया जाना चाहिए था, लेकिन उस दिशा में कोई कदम यहाँ पर नहीं उठा। क्षेत्रीय विधायकों की तरफ से लगातार उस क्षेत्र में मांग वहां पर की जा रही थी कि सड़कों के किनारे पैराफिक वहां पर बना दिए जाए। विभाग को बजट का आवंटन यहाँ पर हो चुका था, और कल जब घटनास्थल पर ये कह सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह स्वामी देर शाम घायलों का हाल जानने के लिए पहुंचे, तो उनके पास जो स्थानीय लोग थे, जो पीड़ित जो लोग थे, जो घटना में घायल हुए थे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि जहां पर ये दुर्घटना घटी है उस दुर्घटना में 1 किलोमीटर आगे 1.5 किलोमीटर पीछे तक कहीं पर कोई पैराफिट नहीं बनाया गया था। अगर पैराफिट होता तो फिर सर ये कहा जा सकता था कि इतनी बड़ी दुर्घटना होने से बच जाती, वहां पर इतने लोगों का काल मृत्यु का ग्रास नहीं बनते। और विभाग को पूर्व में ही पैराफिट बनाने के लिए, सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए बजट का आवंटन यहाँ पर कर दिया गया था, लेकिन अभी तक उस दिशा में उस क्षेत्र में कोई काम ना होना ये बड़ा चिंता का विषय है, और ये बड़ा जांच का विषय भी है, जिसको लेकर विभागीय स्तर पर जांच के लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं कि जो दोषी अधिकारी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। लेकिन ये सब चीजें तब है अगर समय रहते हुए इन चीजों पर कार्य किया जाता, तो आज ये दुर्घटना राज्य को ना सहनी पड़ती, इतना बड़ा दुर्घटना के बाद कड़े एक्शन जरूर लिए जाते हैं अधिकारियों
को निलंबित भी किया जाता है। और जैसा आपने बताया कि इस घटना में भी हमने देखा कि तुरंत जो है दो अधिकारियों को निलंबित किया गया, उसके साथ ही अगर देखा जाए दूसरी तरफ जो घायल थे उन्हें तुरंत उपचार की सुविधा भी दी गई, एयरलिफ्ट भी किया गया जो 6 घायल थे। लेकिन उसके अलावा अगर अभय देखें कि ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसी सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो सवाल यही कि आखिर उनसे सबक क्यों नहीं लिया जाता? अगर ऐसी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, आगे चलकर ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए जाते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, यही एक सबसे बड़ा सवाल है जिसको लेकर विपक्ष अब आक्रामक रूप यहाँ पर अपना रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो लगातार उन चीजों का चिंता यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं, लगातार बजट विभागों को आवंटित यहाँ पर कर रहे हैं ताकि बेहतर सुविधाएं यहाँ पर प्रदेश में उपलब्ध हो सके, जनता की जो समस्याएं उनका समाधान यहाँ पर हो सके। लेकिन जो अधिकारियों की जो कार्यशैली है, जो काम करने का जो रवैया है, उससे ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जो नकारात्मक चीज है वो निकल कर यही आ पा रही है कि जो सुविधाएं जनता को मिल पा रही है और ना ही जनता की जो समस्या है उनका निदान यहाँ पर हो पा रहा है। सड़कों की स्थिति जस के तस अभी भी बनी हुई है। जिस सड़क पर यह हादसा हुआ उस सड़क पर लगातार वहां पर काम होना चाहिए था, जो गड्ढे बने हुए हैं उन गड्ढों को भरा जाना चाहिए था, पैराफिट लगाए जाने चाहिए थे, लेकिन उस दिशा में कोई काम वहां पर नहीं हुआ, जबकि विभाग को बजट पूर्व में ही आवंटित यहाँ पर कर दिया गया था। इसके अलावा 2018 में भी इसी प्रकार से वहां पर एक भीषण सड़क हादसा उस मार्ग पर हो चुका है जिसमें 48 लोगों की अकाल मृत्यु वहां पर हुई थी, तब भी विभाग की तरफ से कोई ये कह सकता है कि ठोस कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई, जिला प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा प्रबंध वहां पर नहीं किया गया कि उन जगहों पर या ऐसी संवेदनशील वाली जो क्षेत्र है जहां पर बिल्कुल यानी समय समय पर ऐसी दुर्घटनाएं होती है अभय, लेकिन सवाल यही बरकरार रहता है कि आखिर उन दुर्घटनाओं के बाद भी आखिर प्रशासन और सरकार सबक क्यों नहीं लेते? और जैसा आपने भी कहा कि बजट जो था वो दिया गया था सड़क में जो भी सेफ्टी के जो मेजर्स हैं वो अपनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी वही लापरवाही देखने को मिली कि बजट होने के बावजूद आखिर सड़क में काम नहीं किया गया था अभय, और यही वजह है कि इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और दिवाली के मौके पर, क्योंकि दिवाली की खुशियां एक तरफ लोग मना रहे थे और उसके बाद ये दुखद घटना जिसने पूरे उत्तराखंड को ही नहीं देश भर को झंझोर कर रख दिया है। अभय आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, देहरादून से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां अल्मोड़ा सड़क हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी बैठक बुलाई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज बैठक कर सकते हैं, दुर्घटना के कारणों पर यहां पर बैठक होगी, दोषियों पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश यहां पर दिए जा सकते हैं। सीएम ने पैराफिट ना होने पर नाराजगी जताई है, विभाग को पहले ही पैराफिट लगाने का बजट दिया जा चुका था, यानी कि अब सवाल यही बरकरार है कि अल्मोड़ा में जिस तरह से भीषण सड़क हादसा हुआ, एक बस अनियंत्रित होकर 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई, 36 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कई जो हैं अभी भी घायल हैं। ऐसे में अब अल्मोड़ा दुर्घटना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अहम बैठक कर सकते हैं, दुर्घटना के कारणों पर समीक्षा कर सकते हैं, साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की भी बात इस बैठक में शामिल आ सकती है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी विभाग को भी तलब कर ये जानकारी ले सकते हैं कि आखिर जब बजट दिया गया था तो पैराफिट क्यों नहीं लगाया गया। सीधा रुख कर लेते हैं, अभय हमारे साथ लगातार बने हैं। अभय सवालों के घेरे में अब यहाँ पर प्रशासन की कार्यशैली है, कार्यप्रणाली है कि अगर बजट दिया गया था तो पैराफिट क्यों नहीं लगाई गई थी। और जैसा कि आप भी अभी समझा रहे थे दर्शकों को कि जो बेंड है मरचुला वाला, वो ऐसा काफी तीखा वो बेंड है और पहले भी वहां पर सड़क हादसे हुए, तो आखिर क्यों जो सुविधाएं वहां पर, जो सेफ्टी मेजर्स वहां पर होने चाहिए थे वो क्यों नहीं आखिर उपयोग में लाए गए? बिल्कुल, उसे ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब कल इस दुर्घटना क्षेत्र से वाकिफ होकर यहाँ पर लौटे हैं, जो घायल अवस्था में जो मरीज वहां पर थे उनसे बातचीत करी, और उसके बाद आज सचिवालय में मुख्यमंत्री की तरफ से एक अहम बैठक यहाँ पर बुलाई जा रही है जिसमें शासन के अधिकारी मौजूद रहेंगे, तो उस बैठक में सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो यही है कि उस बैठक को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी कि आखिर कारण क्या है कि दुर्घटना के, जिन कारणों के चलते ये बड़ा हादसा वहां पर हुआ है, और अगर ये कारण लंबे समय से वहां पर बने हुए थे तो क्यों नहीं विभागीय जो टीम वहां पर होती है क्यों नहीं उनकी तरफ से उस पर कार्रवाई की गई, जिला प्रशासन आखिर क्यों खामोश वहां पर मौन बैठा हुआ है कि लगातार उस रोड पर एक के बाद एक दुर्घटना हो रही है और वहां पर जो लोगों की जो मांग है उस मांग के अनुरूप काम क्यों नहीं वहां पर हो पा रहा है, क्योंकि स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि वहां पर आवागमन के जो साधन है उनको बढ़ाने के लिए लगातार मांग वहां पर की जा रही है,
बसों के जो रूट्स हैं उन रूट को बनाने की बात वहां पर हो रही है, लेकिन उस पर अभी तक कोई काम नहीं हो पाया। जो सड़कों की जो स्थिति है, दैनिक जो स्थिति है वहां पर, उसको सुधारने की मांग लगातार वहां पर स्थानीय लोग कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी विभाग खामोश बैठा हुआ। और यही वो सब सवाल हैं जिनको जानने का प्रयास आज मुख्यमंत्री की तरफ से इस बैठक में किया जाएगा। शासन के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे, लोक निर्माण विभाग के आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और उनसे जानने का प्रयास किया जाएगा कि जो बजट शासन की तरफ से पूर्ण अवमुक्त किया जा चुका है विभाग को, कि सड़कों को गड्ढा मुक्त वहां पर किया जाए, तो सुरक्षा के जो पॉइंट्स हैं, मेजर पॉइंट्स लगाने चाहिए थे, चाहे पैराफिक्स का हो या दूसरे सुरक्षा के जो उपकरण वहां पर होते हैं, आखिर उनको लगाने में विभाग की तरफ से क्यों देरी अपनाई जा रही है, जिला प्रशासन क्यों नहीं मॉनिटरिंग वहां पर कर पा रहा है, क्योंकि परिवहन विभाग की तरफ से बसों के एक फिटनेस सर्टिफिकेट तो दे दिया जाता है, लेकिन समय समय पर उनकी जो चेकिंग वहां पर होनी चाहिए थी वो वहां पर होनी रही है, क्योंकि 42 सीटर बस में 63 लोगों का सवार होना इस बात का प्रमाण है कि वहां पर किसी भी प्रकार से कोई भी कानूनी सुरक्षा के जो पहलू वहां पर होने चाहिए थे, चाहे उस जांच का हो या दूसरे जो विषय हो, उनको कहीं पर भी रखने का काम नहीं किया गया था, उसी को नजरअंदाज होते हुए ये कह सकते हैं कि नियमों का उल्लंघन होने का काम वहां पर होता रहा और उसका खामखा वहां के लोगों को आज इस बड़ी दुर्घटना के रूप में भुगतना पड़ा कि 36 लोगों को अकाल मृत्यु का ग्राफ वहां पर बनना पड़ा, 27 लोग गंभीर रूप से घायल बने हुए हैं। ये सबसे बड़े जवाबदेही तय कौन करेगा कि बजट ऊपर से आता है लेकिन आखिर वो उपयोग क्यों नहीं किया जाता, जिस जनता के पैसों से जो है जनता अपनी कड़ी मेहनत के पैसे पूंजी पाई इकट्ठा करके टैक्स भरती है सरकार को, उसके बाद बजट जो है आवंटित भी होता है लेकिन उसी जनता के उपयोग में वो पैसा लाया नहीं जाता और ऐसी सड़क दुर्घटनाएं उत्तराखंड में होती है। और हम कल ही बात कर रहे थे अभी किस तरह से उत्तराखंड अभी आने वाले 9 नवंबर को अपने 25 साल जो है वो शुरुआत करने वाला है, 24 साल पूरे कर लेगा उत्तराखंड और 25वें साल में यानी रजत जयंती अपनी बनाएगा और ऐसे में ऐसी सड़क दुर्घटनाएं अपने आप में उत्तराखंड को लेकर कई तरह के सवाल खड़े करती हैं कि पहाड़ की जनता को आखिर मिल क्या रहा है। देखो यही वो चिंताएं हैं, यही वो सवाल है जो जिनका जवाब अब तक नहीं मिल पाया। राज्य के लोगों ने इस राज्य को बनाने के लिए कई शहादतों को यहाँ पर दिया था, जिस विकास के लिए यह पृथक राज्य की मांग की गई थी कि अपने लोगों की तरफ से राज्य का समुचित विकास यहाँ पर होना चाहिए था, वो विकास पहाड़ों पर अब तक देखने को नहीं मिल पा रहा है। सड़कें तो बनी लेकिन सड़कों को मेंटेनेंस करने की स्थिति में विभाग नजर नहीं आता, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता है इसलिए वो पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य जैसी जो महत्वपूर्ण जो सुविधाएं उन सुविधाओं को देने में सरकार असफल हो पाती है, ये वो सवाल है जो आज भी जनता के जहन में घूम रहे और जनता उनका जवाब जानना चाहती है। और सबसे बड़ी बात है कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस प्रकार से अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, इसमें समझा जा सकता है कि इस दुर्घटना के जो भी दोषी अधिकारी यहाँ पर होंगे, जो भी कारण यहाँ पर निकल कर आए हैं, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का काम यहाँ पर सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो कोशिश प्रशासन की भी है और लगातार सरकार की तरफ से भी यही कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि कम से कम सड़क दुर्घटनाएं कम यहाँ पर हो, ऐसी दुर्घटनाएं ना हो और जो लोग दोषी हैं, जिन लोग जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से नहीं कर पा रहे अधिकारी कर्मचारी, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई यहाँ पे की जा सके ताकि एक नजीर बन सके और उनसे सबक लेकर काम दूसरे अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर कर सके और वो अपने कर्तव्यों का सही रूप से निर्वहन कर सके। बैठक में क्या कुछ यहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा और जो भी दोषी है उनके खिलाफ किस तरह से सख्त कार्रवाई की जाती है, क्या जो जिम्मेदार अधिकारी है उन्हें सजा मिलती है या नहीं, ये देखना अहम होगा। अभी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने अल्मोड़ा के मरचुला में हुए बस हादसा मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने इस हादसे के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि इस हादसे के लिए पहाड़ों में सड़कों की दुर्दशा और पहाड़ी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की बदहाल व्यवस्था पूरी तरह से जिम्मेदार है, ये दोनों काम राज्य की सरकार के अधीन ही है, तो कहीं ना कहीं इस हादसे के लिए राज्य सरकार और बीजेपी सरकार जिम्मेदार है, जिसमें 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं और कई लोग मौत से जंग लड़ रहे हैं। अल्मोड़ा के सल्ट और रामनगर के बीच में मारचुला में जो सुबह बस दुर्घटना हुई, इसके लिए 2 चीजें मुख्य रूप से जिम्मेदार है। पहला तो राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बदहाल सड़कें, दूसरा राज्य की पर्वतीय क्षेत्रों में जो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है
उसकी बदहाली, ये दोनों कारण हैं जिसके कारण ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई जिसमें 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 2 दर्जन से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए, कौन सड़कें देखता है? हम बार 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 कहते कहते थक गए। राज्य की सड़कें राजधानी से लेकर के पूरे पर्वतीय क्षेत्र में सड़कों की जो बदहाली है, सड़कों का जो बुरा हाल है, हमने पूरा अभियान चलाया, गड्ढों में सड़क, सड़क में गड्ढा, और पहाड़ों में मैं यही कहता था बार बार अपने लाइव में कि जब राजधानी की सड़कों का इतना बुरा हाल है तो पर्वतीय क्षेत्रों में दूर दराज के इलाकों में सड़कों का क्या हाल होगा, और आज हम नतीजा देख रहे हैं। वही मॉनसून की विदाई के बाद सूखे का सामना कर रहे उत्तराखंड में आज 3 जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। साथ ही देहरादून में आगामी कुछ दिनों में हल्का कोहरा छा सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है, जबकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि बारिश ना होने की वजह से दिन के अधिकतम और रात के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी रिकॉर्ड की जा रही है। आने वाले 4 से 5 दिनों में भी प्रदेश भर में मौसम सूखा रहने के आसार हैं। इन 3 जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। उधर देहरादून में इस सप्ताह 4 और 5 नवम्बर को सुबह शाम हल्का कोहरा आ सकता है, न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आएगी। 3 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 4 से 5 दिन उत्तराखंड का मौसम सूखा रहेगा, तो चमोली, बागेश्वर में बारिश के आसार जो है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताए गए हैं। 4 से 5 दिनों में मौसम जो है अभी और सूखा रहने वाला है। उत्तराखंड में जिस तरह से मॉनसून की विदाई हो चुकी है, अब मॉनसून के बाद सूखे का सामना उत्तराखंड को करना पड़ेगा। बिल्कुल, आज ये जो है नवम्बर का मंथ हमारा 3 से 4 दिन हो गया और आज 4 तारीख आपकी है, तो आज के लिए जो अंदर के 3-4 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि जो है पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, तो इनमें डेवलपमेंट हुए हैं, तो थोड़ी बहुत बारिश जो है जरूर वहां मिल जाएगी आज, लेकिन कल से फिर वो साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगी वेदर एक्टिविटी। छुटपुट आप कह सकते हैं पिथौरागढ़ में कल भी मिल जाए हायर रीचेज में, वो भी बाकी कुछ आगे फिर दिख नहीं रहा है। तो आगे अगर मैं बात करूँ कल के बाद, तो करीब वही केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण है और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता चुनावी प्रचार को धार देने के लिए जल्द केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी का कहना है कि केदारनाथ उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। कांग्रेस मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में जीतने के बाद जीत की हैट्रिक लगाने का पूरा प्रयास करेगी। कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी अब जारी कर दी है, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा समेत 2 सह प्रभारी, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष जैसे कई बड़े नाम शामिल है। उन्होंने कहा कि सभी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी जिससे कि कांग्रेस को वहां बड़ी जीत हासिल हो सके। वहीं जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम सदर ने कृषि उत्पादन मंडी परिषद कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में मात्र एक ही कर्मचारी प्रदीप कुमार पर्यवेक्षक उपस्थित पाए गए, जबकि अधिकारी सहित 19 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। अनुपस्थित कर्मचारियों की वेतन रोकने के लिए एसडीएम ने रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी है। वहीं मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आए दिन कृषि उत्पादन मंडी परिषद कार्यालय की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। लगातार अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी के चलते कार्यालय में जनता परेशान हो रही थी, जिसके बाद निरीक्षण कर तमाम खामियां पाई गई। हालांकि आगे भी इसी तरह की शिकायत मिलने पर आगे खामियाजा भुगतना पड़ेगा और आगे भी लापरवाही कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो देहरादून से एक खबर, जहां हमने आपको बताया कि अब कृषि उत्पादन मंडी में जो जायजा लिया गया उसको लेकर बड़ी बात सामने आई है। इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।